आउट होगा, इसी बॉल पर आउट होगा जी। और ये आउट हो गया, पटेल साहब आउट हो गए हैं। और जनाब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ जी सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम तैमूरा पे। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और अभी मैंने जो टी शर्ट डाली हो तो आपको समझ लगी होगी कि आज का व्लॉग किस रिलेटेड होने वाला है। तो आज है भाई पाकिस्तान और इंडिया का मैच, एक हमसान की जंग होने वाली है। तो मैच बस बारिश की नज़र हो गया था, लेकिन अभी टॉस होने लगा है 2-3 मिनट तक। तो अभी फ़िलहाल की करी हम लोग बस स्टार्ट करने लगे हैं। तो पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोगों ने हमें सपोर्ट करना है। पिछली बार जो वीडियो बनाई थी पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, तो आप लोगों ने हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था और मोहब्बत दी थी। इसी तरह आज भी आप लोगों ने हमें सपोर्ट करनी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है। तो फिलहाल टॉस होने लगा है, तो फिलहाल चलते हैं टॉस देखते हैं। मैच शुरू होने वाला है पाकिस्तान, टॉस शुरू होने लगा है अभी। और सिक्का ही घूम गया और पॉकेट में डाला हुआ था शर्मा ने। तो अभी टॉस गिर गया नीचे और पाकिस्तान विन दी टॉस। और लो जी भाई जान, इस वक्त टॉस हम लोग जीत चुके हैं और साथ ही आज पाकिस्तान मैच भी जीतेगा इंशाल्लाह ताला। और आज इंडिया को हम सबक सिखाएंगे, जो पिछले साल का बदला है वो हम इस बार लेंगे। हाँ जी, तो अभी एंथम शुरू हो चुका है जी, पाकिस्तान और इंडिया का मैच शुरू होने लगा है बिल्कुल। तो बस ये देखें जी, आपको दिखाते हैं, यहाँ से एंथम हो चुका है शुरू और पाकिस्तान का एंथम स्टार्ट हो गया है। इसके बाद इंशाल्लाह इंडिया का होगा, फिर उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई जान आज पाकिस्तान की जंग होने वाली है, तो भाई साहब शुरू हो जाओ आज। पिज़्ज़ा खा ले फिर आपसे मिलते, पिज़्ज़ा इज़ वेटिंग फॉर अस। हाँ जी, तो यार मैच बिल्कुल शुरू हो चुका है जी। बस ये खिलाड़ी आ चुके हैं इंडिया के, और साथ साथ हम लोग पेट पूजा कर रहे हैं और ये सारे बादशो फुल माहौल में बैठे हैं। आज आज पूरी तैयारी है। हाँ जी, क्या सब चीज़ें मजे के आउट क्लास। और इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे कि पाकिस्तान जीत जाए, ताकि हमने बदला लेना है जो पिछले वर्ल्ड कप में हमें हराया था। तो चलते हैं जी, शुरू हो गया आज मैच और मैच इंजॉय करते हैं। हाँ जी, तो यार एक बार फिर से बारिश आ गई है, एक ओवर का मैच हुआ है। और इनको देखें जी, फिर से ना ये देखें बारिश आ चुकी है। और ये आईसीसी वाले को उल्लू के पट्टों को बंदा क्या बोले, पिछली बार जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उधर भी हर मैच में बारिश आ जाती थी, तो अब भी फिर दोबारा इधर बारिश आ गई है। ये देखें सारे बैठे हैं जी, अभी इधर ये देखें जी, ये सब सोने लगे हैं जी, कहते हैं मैच क्या देखे इधर बंदा। ये देखें बारिश अब पता नहीं है बारिश कब रुकेगी, तो इंतज़ार कर रहे हैं जी हम लोग। अभी आज पता है इंडिया वाले हार जाना है, तो कोई ना कोई मसला बन ही जाता है। तो आज देखते हैं, देख आज इंडिया वालों को हम लोग ना रोकेंगे ना, रखेंगे याद ये सारे। देख लेना थोड़ी देर बाद, देख लेना इंडिया दिखेगा। तो भाईजान एक बार फिर से मैच हो चुका है शुरू। ओए होए होए, तो दुआ करें कि अब मैच चलता रहे, बारिश ना आए। तो बस अभी फिलहाल मैच लगा हुआ है, अभी बात शुरू होने वाला है, फील्डर सारे आ चुके हैं ग्राउंड में। अगर मैच रुकता रहे, बारिश आ जाए, तो आपका फायदा है, एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे, आपकी बेइज्जती नहीं। नहीं, हमने मैच जीतना है, हमने मैच जीतना है, मैच जीतना है आज हमने। और थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, आज हर चीज के मसले बने हुए हैं उधर। तो यार इस टाइम एक खिलाड़ी इंडिया का आउट हो गया है, विराट कोहली साहब आउट हो चुके हैं। और इंडिया वालों की जो ना ये देखो जी, इंडिया को जो सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी ना टाइट हुई पड़ी है इस टाइम हर चीज़। और इनके इनके देखे जी खुश हुए पड़े हैं। और ये अभी आया है जी कोई, अभी कौन आया जी, रेशम रेशम पांत आ गया है भाई साहब। और पहली विकेट गिर चुकी है, इंशाल्लाह ताला आज 100 से पहले इनको हम लोग आउट कर देंगे और इनको हम लोग उड़ा के रख देंगे आज सारे यार। तो इस टाइम दूसरा भी आउट हो चुका है, पाकिस्तान ने विकेट ले लिया, शाहीन अफरीदी विकेट ले लिया। और दूसरा देखे जी, शाहीन अफरीदी साहब आउट कर दिया है और रोहित शर्मा साहब घर चले गए हैं इस वक्त। और ये हाँ जी, बुक हो गई है। लो जी भाई साहब, एक दफ़ा फिर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है भाई साहब। आज पाकिस्तान इनको रोन देगा, मैं कहता हूँ रोन के रख देगा आज। आप टेंशन नहीं लेनी आज आपने, आज पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, जीत जाएगा। तो 6 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, पावर प्ले ख़त्म हो गया है और 50 स्कोर 2 आउट है। इस टाइम चाचा इफ्तखार आ चुका है ओवर करवाने के लिए, उम्मीद है कि कोई विकेट
देखा मार खाएगा ये क्या करेगा ये तो हमें पता चलेगा, लेकिन आज इतना है कि आज मैच पाकिस्तान ने जीतना है। तीसरी विकेट आउट हो गया जी, ये देखे जी बोल्ड हो चुका है ये इस टाइम। अक्षर छोटी काको डर गई, काको डर गई, ओ हो सॉरी 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 बादशाह आउट हो गया इस टाइम। भाई साहब तीन विकेट गिर चुकी हैं और इनकी बजने वाली है आज, इंडिया वालों की ना बजने वाली है थोड़ी देर में, बस आप साथ जुड़े रहिएगा आपको दिखाते रहेंगे। हाँ जी ये देखें जी बोल्ड हुआ, आए हाय 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 स्वाद आ गया उसका एंड करके, मजा आया गेंद नजर आई। वो इंडिया वालों अब बस छोड़ दो यार बातें, तुम लोग अब देखो तुम्हारा हशर क्या होता है देखना तुम जरा। और ये देखो जी चौका हो गया भाई साहब, चौका हो गया, कोई बात नहीं खेलना है, छोटे मार लो कोई होगा कोई नहीं, एक विकेट के साथ एक चौकी इजाजत है आपको, कोई मसला नहीं है। तो एक बार फिर से चौथी विकेट गिर गई है जनाब जनाब, अरे चौथी विकेट गिर गई है, हारिस साहब ने विकेट ले ली है एक बार फिर से और मैच अब पाकिस्तान की मुट्ठी में है। इंडिया वालों समझ तो गए होगे ना, समझ तो गए होगे क्यों जी मुई साहब। पांचवा आउट हो गया है भाई साहब, पांचवा डूब साहब उड़ गए, डूब साहब उड़ गए, हाँ जी डूब पानी में गिर गया है जी। और नसीम शाह ने जी विकेट लिया है पांचवी, और लो जी भाई साहब नसीम शाह शहजादा ज्यादा नसीम शाह, और ये तो वैसे शर्मिंदगी के मारे ना डूब चुके हैं आप लोग, और हम लोग पी रहे हैं जी कोल्ड ड्रिंक इस टाइम। और ये देखे जी विकेट गिर गई है, और देखे जी शर्म करो भाई साहब, आज मैं कहता हूँ इंडिया वालों को बुरकस ऐसे निकलेगा ना ऐसे निकलेगा जनाब। छठा भी आउट हो गया जी, रेशम पंत साहब आउट हो गए हैं, अभी 100 रन हुआ नहीं है भाई साहब, और इनके 6 विकेट गिर गई हैं, और भाई साहब इनकी शक्लें देख लो जी, अरे हाँ जी जनाब 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 एक विकेट इधर इधर क्या हुआ है, अभी मैच पूरा तो होने दो, क्या हो क्या बैटिंग आएगी 50 स्कोर पे आउट हो जाने पर, किसने पाकिस्तान ने ये देख लो वीडियो बन रही है फिर याद रखना। हाँ देख ले बस ठीक है, अगली बार बार आउट हो गया एक और, अरे भाई अगली बार बार एक और आउट हो गया, ये देखो जी हाय 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 हैट्रिक चांस बन गया, हैट्रिक चांस बन गया भाई साहब, मैं कह रहा हूँ फिनिश मैच फिनिश। जडेजा साहब अड़ गए, ये देखे जडेजा साहब को पता ही नहीं चला, और ये देखे क्या बात है, हाय 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 मजा आ गया भाई साहब, फोई साहब भाई चस आ गई ना फुल, हाँ जी भाई साहब फुल चस मजे मैच बढ़ गया आज इंडिया वालों पुर कराओ आज है। ओए होए 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 हैट्रिक चांस था मिस हो गया, हाँ जी भाई आमिर ने कमाल कर दिया बादशाह, 2 बॉलों पर 2 विकेट ले लिए, और ये देखें एक विकेट दे रखे हम पंत की, हाय 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 कैच हुआ है, और ये है जी दूसरी, हाय 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 क्या कमाल का कैच हुआ है भाई साहब, हाँ जी मतीन साहब खुश हैं आज तो, आज जीत जाएंगे पक्की बात है, चलो जी देखते हैं फिर क्या होता है। हाँ जी तो 16 ओवर हो गए हैं और इंडिया के जी इस टाइम 100 रन हो चुके हैं, इस टाइम खड़े हैं जी हार्पिक पांड्या और अर्शदीप सिंह, और ये जनाब जनाब ये कैच 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 और ये ले और ये जनाब हारिस सूफ ने आउट कर दिया है जी हार्पिक पांड्या को, हार्पिक पांड्या घर जा रहा है जी, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर तू, लाल बाथरूम के लिए नीला, हाँ जी लाल नीला वॉशरूम के लिए, चार बच्चे छुट्टी कर दिया तू, क्या बात है चाचे की छा गया चाचा तेरा कैच हो गया चाचा, वेल डन चाचा शहजादा, हाँ 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 क्या बात है जी, रिजवान साहब कुछ सुकून आ गया आपको,
नहीं भाई जान जी, अभी बुमराह भी इंशाल्लाह आउट होगा, इसी बॉल पर आउट होगा जी। और ये बोल के बताया आउट होगा, बोल के बताया जी। तो यार अभी आई है हैट्रिक बॉल और देखते हैं ये हैट्रिक बॉल पे विकेट होती है या नहीं होती। हाँ जी शाबा, ए ओए होए 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 बच गया। तो भाई साहब आज टीम उनकी बुक हो चुकी है तकरीबन टोटल 119 रन पर भाई साहब। और देखें जी अरे 120 बॉलों पे 120 हर बॉल पर एक रन ही बनाना है। और तो अभी पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हो चुकी है और इस टाइम भाई साहब ये देखे रिजवान ओपनिंग करने आया है और उसके साथ ही बाबर आजम आया है ओपनिंग, और ये पहली बॉल होने लगी है। और ये पहली बॉल पर ही भाई साहब चौका होता है या नहीं ये पता चलता है, अभी नहीं चौका नहीं हुआ। और ये 3 रन हो चुके हैं जी पहली बॉल पर, 3 रन। इंशाल्लाह जी आज तकरीबन 10 से 12 ओवर में मैच जो है खत फिनिश हो जाएगा। पहला चौका हो चुका है, पहला चौका लग गया है बाबर आजम का जी, जबरदस्त किस्म की शॉट के लिए बाबर आजम ने। और पहली ही बॉल पर चौका लगा है सिराज को। तो भाई साहब इस टाइम मैच हो चुका है जी 10 ओवर का ख़त्म, 10 ओवर हो गए हैं और पाकिस्तान के हो गए हैं तकरीबन 57 रन हुए हैं, 57 रन और एक खिलाड़ी आउट है, और तकरीबन 60 बॉलों पर सिर्फ 63 रन बाकी हैं। तो ये भी उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता बन जाएंगे जी। तो भाई साहब इस टाइम फख्र जमान आते साथ ही दूसरी बॉल पर उसने लगा दिया है भाई साहब छक्का, स्टेट पर छक्का लगाया है उसने भाई साहब, क्या ही बात है फख्र जमान की। तो भाई साहब मैच ना फंस चुका है, अभी चौथी विकेट गिर गई है पाकिस्तान की, रिजवान आउट हुआ है जी इस टाइम और बोल्ड हो गया, बुमराह ने बोल्ड किया है, 4 आउट हो चुके हैं इस टाइम। और जनाब रिजवान साहब बैठे हैं, आप बताओ बड़े खुश हो? नहीं यार कोई मसला, अभी मैच पड़ा है बाकी इंशाल्लाह कोई ना कुछ बेहतर होगा, मैच इंशाल्लाह जीत जाएंगे, मैच फंसा पड़ा है आज भाई साहब। मैं यार बिल्कुल ही ना 2 ओवर रह गए हैं, 12 बाले किस तरह मैच फंस चुका है और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किधर जाएगा मैच, इंडिया जीतेगी पाकिस्तान जीतेगी, लग इतना नहीं रहा था मुश्किल है, लेकिन आज जो पाकिस्तान की जो टीम है उसने यार मुश्किल बना दिया है मैच को। तो इस टाइम भाई देख लो यार अभी 100 रन भी नहीं हुआ, 18 ओवर हो चुके हैं, बड़े अफसोस की बात है यार, क्या कहें अब इस टीम को, टीम ऐसी है बाकी यार देखते हैं क्या होता है, उम्मीद है कुछ हो जाए। तो भाई जब 1 ओवर हो गया है और तकरीबन बस 6 बॉलों पे 18 स्कोर रह गए हैं, तो मैच तकरीबन पाकिस्तान यार हार चुका है, तकरीबन हार चुका है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। इफ्तिखार साहब आखिरी बॉल पर अभी आउट हुए हैं और अभी कुछ पता नहीं है क्या होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस रखे ही हैं, 6 बॉल पर 18 रन मुश्किल है बनने, लेकिन नामुमकिन नहीं है, देखते हैं क्या होता है। 4 बॉल मैच तकरीबन हार चुके हैं, 1 बॉल और 8 स्कोर हैं और बस ये आखिरी बॉल होने लगी है, इसके बाद पाकिस्तान मैच हार चुका है, क्योंकि जो USA से हार जाए वो उसका इंडिया से जितना कोई ना डिज़र्व नहीं करता, आज का मैच वैसे इंडिया डिज़र्व करता था जितना, और ये आखिरी मैच आखिरी बॉल थी, पाकिस्तान ये मैच हार चुका है जी। इंडिया वालों मुबारक हो आपका बहुत बहुत, 120 रन कटा इतना ज़्यादा भी नहीं था यार, और इस काबिल भी नहीं थे हम लोग, मैच भी नहीं 120 रन भी नहीं थे कर सकते यार, बड़े अफसोस की बात है, आज के बाद मैच ही नहीं देखना हम लोगों ने। ठीक है यार, चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, मिलते हैं यार अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।